गाइस सो हैप्पी। अभी भी नाइका से मेरा पार्सल आया है जिसमें कि मैंने कुछ पर्सनल आइटम्स मंगवाए। ये वाला सनस्क्रीन लॉरियल पेरिस का यूवी परफेक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है मार्केट्स में। ना ऑनलाइन आपको मिलेगा ना ऑफलाइन मिलेगा। व्लॉग में अगर देखा हो, लास्ट व्लॉग में नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक दे रही हूँ, वो चेक कीजिए। एंड गाइज इसका मुझे फाइनली एक रिप्लेसमेंट मिल गया है। वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। सो या एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दे रही हूँ, दिस इज़ द वन। नहीं खोल रही हूँ बिकॉज मुझे आपको वीडियो में दिखाना है। यू पे आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट लॉरियल पेरिस यूवी परफेक्ट यूवी प्रोटेक्टर सनस्क्रीन हैज़ बीन रीनेम्ड टू लॉरियल पेरिस यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर। एंड जो सुपर एक्वा एसेंस वाली बॉटल थी हमारी, दिस इज़ मॉइस्ट एंड फ्रेश द ब्लू वर्जन्स एंड दिस इज़ विद हाइलोरोनिक एसिड नाउ। सो येस, लॉरियल पेरिस यूवी परफेक्ट का नाम चेंज होके हो गया है द लॉरियल पेरिस न्यू यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर। सो ग्लैड दैट दिस हैज़ कम टू द मार्केट अगेन। थैंक यू सो मच लॉरियल पेरिस। ओ माई गॉड, आई वॉज वाइनिंग ऑन वाई दे हैव डिसकंटिन्यूड दिस प्रोडक्ट। सो हैप्पी दैट दिस इज़ बैक। मेरे पास और कोई सनस्क्रीन ही नहीं है इसके रिप्लेसमेंट में। मैं कितने सनस्क्रीन ढूंढ चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, स्किन टेस्ट मैंने लिया है सबका। लिटरली मैं हर काउंटर पे जा जाके सनस्क्रीन चेक कर रही थी बट मुझे इसके सामने कोई सनस्क्रीन पसंद ही नहीं आ रहा था। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स में से लोग ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हैं। दिस इज़ लॉरियल यूवी परफेक्ट सुपर एक्वा एसेंस सनस्क्रीन जिसका मैंने रिव्यू भी अपने चैनल पे किया हुआ है। और ये वाला सनस्क्रीन लॉरियल पेरिस की तरफ से डिसकंटिन्यू हो चुका है। राइट, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो उस व्लॉग में मैं एक न्यू सनस्क्रीन हंट कर रही थी। सो मैंने कलर बार का सनस्क्रीन लिया जिसका रिव्यू बहुत जल्दी लेके आऊँगी बिकॉज लॉरियल पेरिस का यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन ना ही ऑफलाइन अवेलेबल है ना ही ऑनलाइन अवेलेबल है। सो आई वॉज हंटिंग फॉर अ सनस्क्रीन जो कि मेरी स्किन टाइप पर जा सके। जैसा आपको पता है कि मेरी ऑयली और सेंसिटिव स्किन है। इससे पहले आई हैव फाउंड अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस थिंग बिकॉज ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, आपको अब ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। सो ब्यूटीज, लॉरियल पेरिस ने यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन को अपग्रेड कर दिया है एंड अब वो बन गया है ये, जो कि अब इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल होने वाला है, ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है, ऑनलाइन में अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस इज़ द न्यू लॉरियल पेरिस यूवी डिफेंडर मॉइस्ट एंड फ्रेश यूवी सन प्रोटेक्टर। ये जो चीज़ है आपकी अब ये बन गई है। अब इसके बारे में मैं आपको रिव्यू देती हूँ। आज ही ये नाइका से आया है। मैंने अपनी यूट्यूब स्टोरीज और इंस्टाग्राम पर डाला है कि भाई फाइनली थैंक यू लॉरियल पेरिस कि आप ये वाला सनस्क्रीन वापसी ले आए हो। मुझे कोई सनस्क्रीन पसंद नहीं आ रहा था यार इसके सामने। वीडियो पूरा देखना बिकॉज मैं कंपैरिजन भी बताने वाली हूँ यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन और यूवी डिफेंडर सनस्क्रीन का, दोनों में क्या डिफरेंस है। हाफ फेस पे मैं एक्वा एसेंस लगाने वाली हूँ एंड हाफ फेस पे मैं यूवी डिफेंडर लगाने वाली हूँ। सो आपको पता चल जाएगा वर्थ इट है कि नहीं है या फिर इसमें क्या चेंजेस आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो राइट अवे। यू आर मिसिंग आउट समथिंग इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीचे कॉमेंट करके बताना इफ यू हैव स्टार्टेड यूजिंग और यू हैव जस्ट ऑर्डर्ड दिस सनस्क्रीन या फिर आप भी सनस्क्रीन के फ़ैन हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया है। जितने हमारे वेरिएंट्स लॉरियल पेरिस यूवी परफेक्ट की रेंज में थे उतने ही वेरिएंट्स इसमें भी आए हैं यूवी डिफेंडर में। चार वेरिएंट्स हैं टोटल। सो उनका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रही हूँ। मैक्सिमम अपनी गर्ल जनता आई थिंक यूवी परफेक्ट में मैट सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी उनका या फिर उनका एक्वाएसेंस सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी। मैं एक्वाएसेंस वालों में से थी। एक्वाएसेंस की जगह जो वेरिएंट आया है वो ये वाला वेरिएंट है। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आती है। अगर आपने मेरा यूवी परफेक्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको पैकेजिंग शो करी थी, वो ब्लू कलर की पैकेजिंग थी, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग, एंड यहाँ पे उसमें सब लिखा हुआ था। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, गोल्डन एंड ट्रांसपेरेंट कलर की कुछ पैकेजिंग है। लॉरियल पेरिस न्यू यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम साइंस ऑफ एजिंग, एंड ये कौन सी भाषा नीचे मुझे नहीं पता। हैज़ SPF 50 प्लस जैसा कि हमारा यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन में था। दिस हैज़ PA++++
सेम जैसा हमारा यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन में था, दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्ग यूवी ए प्रोटेक्शन सेम जैसा हमारा यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन में था। नाउ यहाँ पे ब्लू कलर के एक बार में लिखा हुआ है मॉइस्ट एंड फ्रेश विद हाइलुरोनिक एसिड। तो जो यूवी परफेक्ट एक्वा एसेंस का रिप्लेसमेंट आया है जो लॉरियल ने इस सनस्क्रीन में लॉन्च किया है इज़ दिस वेरियंट मॉइस्ट एंड फ्रेश में विद हाइलुरोनिक एसिड। यूवी परफेक्ट मैट सनस्क्रीन के लिए ये वाला है एंड जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके लिए ये वाला है। मैं साइड बाय साइड सारे फोटोज डाल सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि भाई इसका प्राइस क्या है। पैकेजिंग के बारे में तो मैंने बात कर दी है। फ्रंट की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, पीछे की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, सब कुछ वही सब मेंशनड है। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यूवी परफेक्ट था वो अराउंड 499, कभी कभी 400, कभी कभी 350 ऐसी रेंज में भी आ जाता था ऑनलाइन डिस्काउंट्स में, बट 500 तक का होता था। दिस इज़ प्लेस्ड एट MRP 699, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। और इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इज़ 50 ml। पैकेजिंग पे नीचे की साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है नो रेजिड्यू नो शाइन नॉन स्टिकी, जैसा अगेन हमारा यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन पे होता था। सिंस इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है सो इट इज़ गोइंग टू रिटेन मॉइस्चर 1000 times इट्स वेट इन वाटर। मैंने लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक 1.5 HA सीरम का रिव्यू भी किया हुआ है। आजकल मैं हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज फॉर सम रीज़न जो मैं स्किन केयर आजकल यूज़ कर रही हूँ ना उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, ऑयली स्किन से ड्राई स्किन हो गई है। सो आई हैव टू यूज़ आई एम एक्चुअली यूजिंग अ कोल्ड क्रीम नाउ डेज। सो आप समझ सकते हो कि वो जो मैं स्किन केयर कर रही हूँ उससे मेरे स्किन पे कितना फ़र्क पड़ रहा होगा। नाउ स्टार्ट्स द कंपैरिजन बिकॉज दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको इसका MRP, वेट और पैकेजिंग में डिफरेंस बता देती हूँ। सो MRP मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लॉरियल यूवी परफेक्ट कम्स अराउंड 500, 499 एंड जो न्यू लॉरियल पैरिस यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर दिस कॉस्ट 699। आप न्यू पैकेजिंग में देख पा रहे हो कि इसमें कहीं पे भी सन प्रोटेक्टर नहीं लिखा हुआ है जैसा कि हमारा ब्लू वाली पैकेजिंग में भी है। इसमें भी कहीं पे भी ये सन प्रोटेक्टर नहीं लिखा हुआ है। पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इवन इनके वेट में भी डिफरेंस है। यूवी परफेक्ट एक्वा एसेंस का जो हमें टोटल वेट मिलता था 499 rupees में वो 30 ml होता था। हाउएवर लॉरियल पैरिस यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर का जो हमें टोटल वेट मिल रहा है इस 50 ml। सो 20 ml न्यू पैकेजिंग में ज़्यादा है इसलिए रेट भी ज़्यादा है इसका। पैकेजिंग ओके है, दो मुझे ये वाली पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। ये स्लीक सी है तो कहीं पर भी घुस जाती है, ये भी स्लीक है, दोनों ही स्लीक पैकेजिंग हैं बट ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। दोनों ही नोज़ल में हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, दोनों में आपको दिखाती हूँ, दोनों ही नोज़ल फॉर्म में हैं आप यहाँ पे देख सकते हो एंड एक्वा एसेंस लीक कर रहा है। दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। सो ऑन दिस साइड आई एम यूजिंग द न्यू लॉरियल पैरिस यूवी डिफेंडर सीरम प्रोटेक्टर एंड ऑन दिस साइड ऑफ द फेस आई एम यूजिंग माई लॉरियल पैरिस यूवी परफेक्टर सुपर एक्वा एसेंस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ द न्यू लॉरियल पैरिस यूवी डिफेंडर सीरम प्रोटेक्टर, यूवी डिफेंडर है भाई। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं अपना सुपर एक्वा एसेंस जो कि ऐसे ही करके निकल रहा है। ये मेरा खाली होने वाला है, जस्ट लास्ट कुछ पम्प्स रह गए हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही रनी टेक्स्चर में है, टेक्स्चर इनका बिल्कुल सेम है, इवन इनका कलर जो है वो भी बिल्कुल सेम है। तो भी आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो, एक्वा एसेंस ज़्यादा ही वॉटरी है, नीचे लुढ़कता जा रहा है। इसकी फ्रेगनेंस आपको पता होगी अगर आप यूज़ कर रहे हो। आई एम गोइंग टू स्मेल दिस फ्रेगनेंस एंड मैं बताने वाली हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेगनेंस ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों की, इसकी हल्की सी और माइल्ड हो गई है फ्रेगनेंस विच इज़ रियली ग्रेट बिकॉज मुझे इंटेंस फ्रेगनेंस से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो जो एक्वा एसेंस की फ्रेगनेंस है वो भी ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है अगर आपको हेडेक हो जाता है, बट जो न्यू लॉरियल पैरिस यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर है उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी और माइल्ड हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट सेम है एक्वा एसेंस से। सो आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। दोनों के टेक्स्चर की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं आपको फेस पर लगा के दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पे भी इसको रब कर रही हूँ, ये देख रहे हैं वाइट कास्ट दोनों में ही नहीं है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं और ये आपको कोई भी ऑयली फीलिंग नहीं देंगे। ये एक्वा एसेंस हमारा ब्लेंड हो चुका है बिल्कुल एंड अब यूवी डिफेंडर को ब्लेंड कर लेते हैं।
दोनों का टेक्सचर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही ज़्यादा सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट दैट दोनों की पैकेजिंग में डिफरेंस आ गया है और क्वांटिटी अब हमें ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्लियर वर्जन जो कि 30 ml था। और इनको लगाने के बाद ना, एक यूवी डिफेंडर को लगाने के बाद एक थोड़ी ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही है। यस, एक बहुत हल्की सी माइल्ड ठंडी सी फीलिंग आ रही है जो कि हमें एक्वा एसेंस में भी आ रही है, बट एक्वा एसेंस से ज़्यादा यूवी डिफेंडर की फील मुझे पता चल रही है। स्लाइट ठंडी ठंडी फील है बट वो फेड हो जाती है कुछ टाइम के बाद एकदम। जब आप अप्लाई करते हो तो उसी के बाद पता चलेगा। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2-3 मिनट के बाद वो फेड हो जाएगी। दोनों की पैकेजिंग साइड बाय साइड अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है दोनों की। यहाँ पे हमें एक मैक्सोरल फिल्टर मिलता था यूवी परफेक्ट में, जो मॉइस्ट एंड फ्रेश में बिल्कुल ही गायब है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दोनों ही SPF 50+ हैं, दोनों ही PA++++ हैं एंड दोनों ही लॉन्ग UVA हैं। बट हमारा जो यूवी परफेक्ट एक्वा सनस्क्रीन था उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन भी करते हैं anti-UVB, क्योंकि न्यू वर्जन में हमारे यूवी डिफेंडर वर्जन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप अपनी पुरानी पैकेजिंग में देखते हो यूवी परफेक्ट की, उसमें क्लियरली मेंशन है इट इज़ anti-UVB UVA लॉन्ग UVA। सो न्यू यूवी डिफेंडर सनस्क्रीन में ये कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है। मैं पैकेजिंग में एक बार ही चेक कर लेती हूँ। जी नहीं, पैकेजिंग में फ्रंट में और बैक में UVB रेज का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, दैट इट इज़ anti-UVB रेज। एक जो चीज़ इन्होंने मेंशन करी हुई है इज़ दैट द यूवी डिफेंडर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द पॉल्यूशन, विच आई थिंक वॉज द मैक्सोरल फिल्टर जो कि हमें पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता था। सो इसमें मैक्सोरल फिल्टर की बजाय इन्होंने पॉल्यूशन का नाम लिया है जो कि ईजी है नॉर्मल जनता के लिए समझने। दे हैव नॉट यूज एनी बिग केमिकल नेम। ना ही हमारा पुराना यूवी परफेक्ट कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट था, इसको रीअप्लाई करना पड़ता था स्विमिंग या फिर आप किसी भी वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी में जा रहे हो, रीअप्लाई करना पड़ता था जैसे कि नॉर्मल आप अपने सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं। सेम हमारा न्यू पैकेजिंग के साथ भी है जो कि यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर मॉइस्ट एंड फ्रेश है। इसको भी अगर आप स्विमिंग जा रहे हैं, वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, धूप में ज़्यादा देर बाहर हैं तो कोशिश कीजिए हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई कीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है बिकॉज टेक्सचर दोनों का सेम ही है, वाटरी लाइक कंसिस्टेंसी है, तो हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यूवी परफेक्ट अराउंड 1 साल तक चलता था, 6 महीने 1 साल तक चलता था बिकॉज मेरा धूप में ज़्यादा जाना नहीं होता है। मॉर्निंग के बाद एक बार ही आफ्टरनून में अप्लाई कर लो तो इट्स इनफ। रादर आपको इंडोर्स में SPF 50+ की भी ज़रूरत नहीं है, SPF 30 विल डू द जॉब। बट मैं SPF 50 यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका जो टेक्सचर है मुझे ब्रेकआउट नहीं देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इसीलिए मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मैं और कोई सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं करती। पता है मेरा हालत ऐसी हो गई थी जब ये सनस्क्रीन बंद हुआ ना, आई वॉज लाइक शिट मैन अब क्या करूँ, ऐसी हालत हो गई थी। आई वॉज गोइंग हेयर एंड देयर, हर जगह मैंने यहाँ पर पूछ लिया था। आप मेरे ब्लॉग में देखोगे कि भाई मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमी हूँ, हेल्थ एंड ग्लो, लाइफ स्टाइल, शॉपर स्टॉप, ऑनलाइन की मैंने सारी मार्केट्स छान दी, नॉट सो पॉपुलर मार्केट्स होती हैं ऑनलाइन की वो भी मैंने छान मारी थी, मतलब मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपनी फ्रेंड सिस्टर उनको भी बोला कि भाई दिल्ली में मिल रहा है तो मुझे वहाँ से कोरियर कर दो, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा मार्केट्स में। आई वॉज लाइक शेट अब क्या करूँ, मेरे पास जस्ट इतना सनस्क्रीन रह गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। एक तो मैं सिलिकॉन सनस्क्रीन्स यूज़ नहीं करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मेरी स्किन को वो ब्लॉक कर देते हैं, चाहे डॉक्टर्स डर्माटोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं सिलिकॉन सनस्क्रीन्स बट मेरी स्किन पे वो नहीं काम करते हैं फॉर सम रीज़न, और मुझे उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। तब जाके फिर मैंने कलर बार का सनस्क्रीन लिया। रिव्यू अब नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जो मैं ट्रैवल करके आई हूँ फेब में, उसमें यूज़ किया था, सो मैं उसमें भी थोड़ा सा रिव्यू ऑलरेडी आपको दे रही हूँ उस व्लॉग में, अगर आपने देखा है तो। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लॉरियल पैरिस, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और बड़ी बॉटल है तो अब ज़्यादा टाइम चलने वाली है, यप्पे। चलिए सम अप कर देते हैं एंड वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। दोनों ही सनस्क्रीन सेम सनस्क्रीन है, जो यूवी डिफेंडर सनस्क्रीन है ये अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ आर यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन। तो अगर आपको ये यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन पसंद आए थे तो ये सेम चीज़ है, नॉन स्टिकी है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई वाइट कास्ट नहीं है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 50 ml का प्रोडक्ट मिलता है बिकॉज आपको एज कम्पेयरटिव टू 30 ml प्रोडक्ट। पैकेजिंग आपकी सेम है, अगेन नोजल बॉटल है, थोड़ी सी बड़ी बॉटल है तो ज़्यादा टाइम चल जाएगा, एक्सपेंसिव है बट चलता है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, SPF 50+ के साथ है, PA++++ लॉन्ग UVA के साथ है, UVB नहीं देता है जो कि ये देता है।
दोनों ही एंटी पॉल्यूशन है एंड वाटरी जेल लाइक है, जैसा कि हमारा यूवी परफेक्ट सनस्क्रीन है। यूवी डिफेंडर सीरम प्रोटेक्टर भी वाटरी जेल लाइक कंसिस्टेंसी में ही है। आई होप आप भी खुश हो गए होगे यार, आपको फाइनली एक ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव तो नहीं, न्यू लॉन्च आ गया है, अपग्रेडेड वर्जन आ गया है हमारे यूवी परफेक्ट का एज यूवी डिफेंडर विद न्यू नेम, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू स्टे इन द मार्केट। ये तो ऑलरेडी मार्केट से गायब हो ही चुका है। विद दिस वी एंड द वीडियो, आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स, एंड परचेज लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, एंड सब्सक्राइब बटन के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको हिट जरूर करना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन। एंड येस, जाने से पहले वीडियो लाइक कर। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।